बिग क्वार्टर फाइनल मैच एहसन मुश्ताकी स्ट्राइकिंग एंड पे आ चुके हैं। हसन बाद गुजरात बाकी होगा। वीडियो को लाइक करते जाए, वीडियो को शेयर करते जाए। पहला बाल हसन बाद सबसे बाहर वाइड बाल याद रखी जाएगी। हसन बाद गुजरात सामने मुश्ताकी ये बाल बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ था, जाएगी बाल बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। मुश्ताकी को बिग हसन बाद ये अच्छा गेंद था, नीचे रहा और लग भाई होर में 12-13 रन आई थिंक आए। शिनवारी स्लोअर वन और बिल्कुल इसको खेलेंगे 6 रन के लिए। खतरा होगा आसानी से हार, बिल्कुल आपने हमारा साथ देना है। अब्दुल्ला शिनवारी ये स्लोअर वन इसको खेले हैं, फील्डर मौजूद नहीं छोड़ेंगे। मुश्ताकी एहसन मुश्ताकी इस गार्ड फील्डर नजर नहीं आ रहा है कौन है, इंजी है या कोई और। आदिल भट्टी अब्दुल्ला शिनवारी ये स्लोअर वन था और आदिल भट्टी ने जवाबी वार किया है 6 रन के लिए। बल्लेबाज आज पोलार्ड ने वो कर दिखाया, ये स्लोअर वन बिग वन अनदर 6 और नो बॉल का इशारा आ चुका है अंपायर शहबाज कालिया की तरफ। शिनवारी ये अच्छा बॉल था, वीडियो को लाइक करते जाएं। आदिल भट्टी ये एज लगा, बादशाह नहीं छोड़ने वाला ये कैच। करण चकवाल अभी भी नाखुश हैं लेकिन आउट होकर वापस काम कर गए। आपने देना इस मैच में हमारा हसन बट गुजरात ये अच्छा गेंद थोड़ा सा दूर रहे और शिनवारी आएंगे छक्के लगाए थे उन्होंने। हसन बट गुजरात ये अच्छा गेंद एक मिलेगा दूसरे के लिए, जल्दी करनी पड़ेगी और बिल्कुल मना किया। बाल की तेज से वीडियो को शेयर करना है। हसन बाट ये अच्छा गेंद था, एक रन का इजाफा बिल्कुल नहीं होगा। गुजरात सामने उमरी ये आगे पड़ा हुआ गेंद, उमर उमरी के बल्ले से ये जाएगा 6 रन के लिए। ये मोशन ब्रेकर ये अच्छा शॉट, बड़ी दूर से जा रहे हैं नहीं रोक पाएंगे 4 रन के लिए। 4 रन मोशन ब्रेकर ये भी अच्छा गेंद, यहाँ पे बॉल डॉट हो जाएगा बड़ा। ये पहला बॉल कैच आउट होने का खतरा लेकिन नहीं, देखते रह जाएंगे सिर्फ अब्दुल्ला शिनवारी और बाल उड़ी वहां यहाँ रहते होते थे। ये एज एंड गन, ये बड़ी तगड़ी लाइन अप है, यहाँ बड़े बड़े बल्लेबाजों को मुश्किलात आती है, उसे भी रापा कर सकता है मलिक अतीक। ये बड़ा शॉट, शॉट ऑफ द नाइट, राजू को बड़ा लेट भेजा है, बिल्कुल समझ से बाहर है और बता मलिक अतीक ये अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद बड़ी अच्छी फील्डिंग, एक रन का इजाफा दूसरे पे रन आउट और पहले इनिंग्स का खेल अख्तिताम। 75 या 76 है ये भी देखना बाकी है। 77 ऑन द बोर्ड, 77 का टारगेट है। पहला ओवर का टारगेट है किसको दिया जाएगा पहले ओवर के लिए? हाफिज तौकीर सरमद मलिक, ओ माय गॉड ब्राइटी मास्टर। मुकाबला पहला बॉल स्लो ओवर वन था, अपने आप से ना खुश है भाई, सारे बनाए ना या बस आया है जवाबी वार करना जानते हैं सरमद मलिक। ये स्लोवर वन लेकिन थोड़ा आगे पड़ा हुआ बाल था, किसी ने सोचा नहीं था कि ये यहाँ तक आएगी। ये बाल तीर की तरह सीधा, हुरम चकवाल हुरम मोने आला हुरम अडाला बाल बाउंड्री लाइन से बाद मलिक आखिरी मरतबा पहला ओवर ये स्लोवर वन लच्छा कटर किया था, मुस्कुराहट से जवाब दे रहे हैं। 600 बंदा मजीद लाए, चले एक एक दफा वीडियो को शेयर करते जाएं जी। ये अच्छा बाल एक रन का इजाफा, सरमद मलिक खुद आ चुके हैं विकेट बादशाह, सामना करेंगे हाफिज तौकीर का। बड़ा तेज बाल लेकिन बादशाह नहीं रुकने वाले, बाल बाउंड्री से बाहर 4 रन। फ्री हिट फिरके पोलार्ड का नाम ही आज मुंह पे है लेकिन हुरम चकवाल ने इसको खेला 6 रन के लिए। राजा तौफीक 100 स्टार सेंड किए हैं, वेलकम। ये अच्छा बाल, ये हुरम चकवाल ना खुश, दूसरे ओवर का खेल ठिकाने। मजमुआ 31, कौन सी खुश नसीब टीम होगी जो सेमीफाइनल में जाएगी।
पहला बाल, हाफ कटर डाला, को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये राजू की बाल, खेला इस गेंद को, फील्डर मौजूद, चार रन, हसन मुश्ताक की कैच पे नहीं है, बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। केकेआर कह रहे हैं जी कोटली का मैच है, वीडियो को शेयर करेंगे। ये बाल बुरा नहीं था, ये शॉट बड़ा लाजवाब था, अब्दुल्ला शिनवारी के बल्ले से ओवर लॉन्ग ऑफ, बॉल बाउंड्री लाइन से बल्ला बजीरा। राजू ये बाल भी जाएगी, फील्डर मौजूद, नहीं छोड़ेंगे, कैच आउट। आफ्ताब राजू गुस्से में, वापसी करना पड़ेगी अब्दुल्ला शिनवारी को। बारह गेंदों पे 62 बाकी था, ये अच्छा गेंद था और डॉट बॉल करने में कामयाब हुए। स्लोअर वन था, नीचे रहा, 36 बाकी अभी भी, 13 बालों पे। राजू राइट आर्म राउंड द विकेट, ये बाल हिटमैन, जब बाल मिलाते हैं तो फिर रास्ता बाउंड्री के बाहर का दिखाते हैं। 12 पे 30 बाकी है, 12 बाल 30 सामना करेंगे। पहला बाल बादशाह, पहला बाल, पहला छक्का, अनोश खान हमारे साथ, क्योंकि कल के दिन वो बिल्कुल यहाँ नहीं होंगे। ये बाल खेला है, एक बनेगा, दूसरे के लिए जल्दी करनी पड़ेगी, बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन का इजाफा होता हुआ मजमुए में। हाफिज तौकीर बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए, ये बाल बादशाह के बल्ले से सिग्नेचर शॉट, रात के इस पहर बिल्कुल बादशाह नहीं भूला है ये शॉट। बाल में अगर कोई ये शॉट लगाता, 9 बाले 8 बाले 15 बाकी 8 पे 15 ये बाल जाएगा बाउंड्री लाइन से बाहर, ऊंचा बुलंदो बाला छक्का, दस की आवाज आई है यहाँ पर, डल मोड में है, दरबार लगा चुका है हाफिज तौकीर। ये बाल भी जाएगा बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन के लिए, क्या बल्लेबाजी हो रही है। अब सरदार क्लब के चार आखिरी ओवर में 3 बाकी है, डुज, लेकिन क्रिकेट है, हर जीत लगी रहती है। मजर जडेयाल, पहला बाल सिर मोड़ा और आउट, ट्विस्ट आना भी बाकी है, 5 बार नहीं आने वाले बल्लेबाज कान होंगे, मैच में ट्विस्ट आएगा या नहीं, यहाँ मतलब फैसल। 5 पे 3 मजर जडेयाल, ये बाल अच्छा था, एज लगा, एक बनेगा, दूसरा भी बनेगा और तब तक बाल बाउंड्री से बाहर, सरदार क्लब हजीरा क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। मिलेंगे कल आपको, अब ये खुशखबरी है कि बादशाह कल के दिन इस दंगल में बना रहेगा, क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल सरदार क्लब हजीरा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाइएगा।